फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है फ्लेवर्स ऑफ किचन बाय दीपाली में। फ्रेंड्स, आज हम एक इंस्टेंट पिज्जा की रेसिपी बनाएंगे। हम बनाएंगे करौंदे मिर्च का अचार। करौंदे ज्यादातर समर में ही आते हैं और बहुत टेस्टी लगता है इसका अचार खाने में, तो आज हम वही रेसिपी बनाएंगे। जल्दी बन जाती है। अगर आपको इंस्टेंट अचार की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, फीडबैक और कमेंट जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं इंस्टेंट करौंदे मिर्च का अचार। करौंदे हरी मिर्च का इंस्टेंट अचार डालने के लिए हमने लिया है 250 ग्राम। हमने लिए मोटी वाली मिर्चें जिसे हमने अच्छी तरह धो लिया है और धोकर पूछ लिया है। साथ में हमने लिया है 1/2 किलो के करीब करौंदे। करौंदों का सीजन चल रहा है तो इस टाइम समर में ये आराम से मिल जाते हैं। इन्हें भी हमने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। मसालों में हमने लिया है 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 ही चम्मच हमने लिया है सौंफ का पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, साथ में हमने लिया है 1/2 चम्मच कलौंजी और 1 चम्मच हमने लिए राई पिसी हुई, सॉल्ट है 1 चम्मच, साथ में हींग है 1/2 चम्मच और 1/2 कटोरी सरसों का तेल। अब हम सबसे पहले मिर्चे और करौंदों को काट लेंगे। इस तरह से हम मिर्चों की डंडी हटा देंगे सारी और उसे हम बड़े टुकड़ों में काट लेंगे ऐसे। आप चाकू से भी काट सकते हैं। हमने फ्रेंड्स सारी हरी मिर्चों को काट लिया है। अब हम करौंदों को इस तरह से सेंटर में से ऐसे काटेंगे और इसके बीच में जो छोटा सा बीज होता है उसे हम रिमूव कर देंगे। मिर्चें आपको इसके लिए मोटी ही लेनी है। इस तरह से हम सारे बीजों को सेंटर में से हम निकालते रहेंगे। इंस्टेंट अचार है, आप इसे काफी दिन तक रख सकते हो स्टोर करके, ये खराब नहीं होता है और रोटी पराठे सबके साथ बहुत टेस्टी लगता है ये अचार खाने में। इस तरह से हमने सारे करौंदे काट के तैयार कर लिए हैं। अब हम फटाफट इसका अचार बनाते हैं। हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है, उसमें हम डाल देंगे 1/2 कटोरी सरसों का तेल और इसे हम बहुत अच्छी तरह गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच हींग। हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम इसमें ये सब डाल देंगे, करौंदे और हरी मिर्च, साथ में हम डाल देंगे सरसों पिसी हुई, 2 चम्मच धनिया, 2 चम्मच ही हमने लिए पिसी हुई सौंफ, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच कलौंजी और सॉल्ट 1/2 चम्मच। इन सबको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह इन्हें हमें आपस में मिलाना है। ये इंस्टेंट अचार है, आज ही बनेगा, आज ही आप इसे खा सकते हो। इसको बनने में 5 से 6 मिनट लगेंगे बस, और उसके बाद हमारा अचार बिल्कुल बनके तैयार है। अब हम इस पे लीड लगा देंगे और 5 मिनट बाद ये हमारा अचार बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो 5 मिनट बाद हम चेक करेंगे। 4 से 5 मिनट हो गए हैं, हम अचार को चेक कर लेंगे। देखिए हमारे करौंदे हरी मिर्च का अचार बिल्कुल बनके तैयार है। करौंदे जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं और मिर्चें भी पक गई हैं। अब हम इसको एक बर्तन में खाली कर लेते हैं। ये झटपट बन जाता है अचार, इसमें बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अचार को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। हमने अचार को एक बर्तन में खाली कर लिया है। फ्रेंड्स, ये इंस्टेंट अचार रेसिपी है, ये 15-20 दिन तक खराब नहीं होगा। आप इसे फ्रिज में रखिए तो ये काफ़ी दिन तक और लंबे समय तक चलेगा अचार,
और आप इसे रोटी पराठे किसी के साथ भी सर्व कीजिए, दाल के साथ बहुत टेस्टी लगता है खाने में। अगर आपको करौंदे मिर्च के अचार की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, बाय।